ट्रक और बस ऑपरेटर्स अपनी पुरानी मांगों को लेकर 20 जुलाई यानी कि आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पूरे देश के ट्रक यानी कि 92 लाख ट्रक और 50 लाख बसों के पहिए आज से थम जाएंगे, जिसके बाद किसी भी बस में या ट्रक में सामान लोड नहीं किया जाएगा, जिसका पूरा असर आम जन पर पड़ेगा। देशभर में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों और टोल बैरियर मुक्त की मांग को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट आज से अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर इंदौर में भी दिखाई दिया और ट्रांसपोर्टर्स ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि लगातार सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है, जिसका खामियाजा ट्रांसपोर्टरों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके पास हड़ताल के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। ट्रांसपोर्टरों की इस हड़ताल के कारण देश भर में 92 लाख छोटे और बड़े ट्रक के पहिए थम गए हैं। माना जा रहा है कि हड़ताल के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मोदी सरकार के मंत्रियों ने बात की, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि हड़ताल का ज्यादा असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट का मानना है कि इसका असर शनिवार से नजर आएगा। हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान के तले हम लोग पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी मेन जो मांगे हैं, डीजल के रेट कम किए जाएं और टोल ख़त्म किया जाए, टोल परमिट लिया जाए, टोल परमिट एक साथ एक मुश्त पैसा देने को तैयार हैं, और जो इंश्योरेंस अनाप शनाप बढ़ गया है, जिस पर 18% GST लगाया जा रहा है, 9-10% एजेंट्स को कमीशन दिया जा रहा है, वो कम किया जाए। इसके अलावा हमारे से TDS काटा जा रहा है, पहले TDS नहीं था, TDS समाप्त किया जाए, क्योंकि आज हम बड़ी बड़ी कंपनियों का जो काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपये हमारा TDS कट जाता है और वो 2-2, 3-3, 4 बाद रिफंड मिलता है। सरकार हमारे को 6% इंटरेस्ट जोड़ करके पैसा देती है, और जब हमसे लेती है तो 24% लेती है, इसलिए कृपया हमारा तो TDS नहीं काटा जाए। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है और हमारी मांग है कि जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये किया जाएगा। डीजल के ऊपर ऑलरेडी पहले 8 रुपये लीटर से सेस लिया जा रहा है रोड मेंटेनेंस के नाम पर, और उसके अलावा अनाप शनाप डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। क्रूड ऑयल के रेट कम होने के बाद भी डीजल के रेट कम नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर अपनी मांगों को लेकर अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ रोजमर्रा की आवश्यकता प्रभावित होगी बल्कि आम लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।